क्या यार पैर में क्यों उतार रहे हो? नमस्ते नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं। पहले जेएनयू, फिर जामिया और उसके बाद अब दिल्ली विश्वविद्यालय में भी बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री को लेकर विवाद हुआ है। बीबीसी की वो डॉक्यूमेंट्री जो जब जेएनयू में चलाई जा रही थी तो भी विवाद हुआ, जब जामिया में उसको स्क्रीनिंग की बात आई करने की तब भी जामिया में उसको रोक दिया गया, और उसके बाद अब दिल्ली विश्वविद्यालय में जब स्टूडेंट्स ने उस डॉक्यूमेंट्री को देखने की बात की और डॉक्यूमेंट्री चलाने के लिए स्क्रीनिंग की बात की तब भी डीयू में एक बड़ा विवाद हो गया और डीयू में काफी हंगामा रहा। आज कई घंटे तक यह हंगामा चला, हाई वोल्टेज ड्रामा चला। सबसे पहले मैं आपको ये तस्वीरें जो दिखाता हूं उसमें देखिए जरा कि किस तरह से छात्र जो हैं वो अपना प्रदर्शन कर रहे हैं और छात्रों के साथ किस तरह से जो डीयू का प्रशासन है और वहां की सिक्योरिटी है, जो सिक्योरिटी गार्ड है, वो किस तरह हाथापाई करते नजर आ रहे हैं। ये तस्वीरों में देखिए, दिल्ली यूनिवर्सिटी प्रशासन दिल्ली यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स को मार रहा है, पीट रहा है, डिटेन कर रहा है जस्ट बिकॉज वो एक मूवी की स्क्रीनिंग कर रहे थे, द मोदी क्वेश्चन की स्क्रीनिंग कर रहे थे। ये स्क्रीनिंग बिल्कुल डेमोक्रेटिक नेचर की थी, बट दिल्ली यूनिवर्सिटी प्रशासन बिल्कुल अनडेमोक्रेटिक तरीके से बच्चों को डिटेन कर रहा है, मार रहा है, पीट रहा है। देखिए भाई, ओ ओ ओ क्या यार पैर में क्यों उतार रहे हो? नमस्ते नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं, नमस्ते नहीं, ऐसा नहीं। क्या जबरदस्ती नहीं, आप पकड़ लेते हो, मैं तो रहा नहीं, नहीं रोक रहे हो, क्या समझ रहे हो? तो देखा आपने, अब मैं आपको यह बताता हूं कि जेएनयू में भी विवाद हुआ। जेएनयू में जिस तरह से इस डॉक्यूमेंट्री की स्क्रीनिंग की बात आई, उसके बाद जामिया में कितना हाई वोल्टेज ड्रामा हुआ, प्रदर्शन किया गया एसएफआई के जरिए और पुलिस ने छात्रों को डिटेन किया, हालांकि उसके बाद पुलिस ने उन छात्रों को छोड़ दिया। अब जब डीयू की बारी आई तो डीयू में भी छात्रों ने इसी तरह से इस स्क्रीनिंग को लेकर काफी जोर जबरदस्ती की और डॉक्यूमेंट्री देखने की बात की गई। तो छात्रों का कहना है कि एबीवीपी ने अपने वो नारे लगाए जो उनके नारे हमेशा से सुनने को मिलते हैं और सांप्रदायिक कुछ ऐसे नारे एबीवीपी की तरफ से लगाए गए, ऐसा छात्र दावा कर रहे हैं कि जिनसे आपसी सद्भाव बिगड़ता है और वहां पूरा माहौल बिगड़ता चला गया। अब मैं आपको कुछ तस्वीरें दिखा रहा हूं जिसमें छात्र नारे लगा रहे हैं और एबीवीपी के खिलाफ, दिल्ली पुलिस के खिलाफ नारेबाजी की जा रही है। अब इन तस्वीरों में आप वो देखिए, ये वही विवादित डॉक्यूमेंट्री है कि जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर बनाई गई है बीबीसी के जरिए। गुजरात के 2002 दंगों को लेकर इस डॉक्यूमेंट्री को बनाया गया है, डॉक्यूमेंट्री को बैन कर दिया गया है भारत में, लेकिन
कुछ छात्र संगठन हैं जो इस डॉक्यूमेंट्री को दिखाने पर लगे हैं। इसीलिए सरकार प्रशासन, यूनिवर्सिटी प्रशासन, ये सभी लोग इस डॉक्यूमेंट्री की स्क्रीनिंग नहीं होने देना चाहते, क्योंकि जब भी स्क्रीनिंग की बात आती है तो कहीं लाइट काट दी जाती है, तो कहीं पर इंटरनेट की सेवाएं बंद कर दी जाती हैं। लेकिन छात्र हैं कि डाउनलोड करके उसकी स्क्रीनिंग करना चाहते हैं, देखना चाहते हैं डॉक्यूमेंट्री को कि आखिर उसमें है क्या, 2002 का जो दंगा हुआ था उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का क्या किरदार और क्या भूमिका रही, क्या बीबीसी ने उसमें बताया है। अब मैं आपको छात्रों की बाइट सुनाता हूं, इस पूरे मामले पर छात्रों का क्या कहना है। आज आईसा ने जेएनयू और जामिया में जो हुआ उसके खिलाफ एक सॉलिडारिटी प्रोटेस्ट रखा था स्टूडेंट्स के साथ, और जब भी प्रोटेस्ट हो रहा था उसी वक्त एक पब्लिक मीटिंग में कुछ स्टूडेंट्स अपनी बात रख रहे थे, जिनमें महिला छात्र भी थे जो अपनी बात रख रहे थे, और इसी मौके को देखते हुए एबीवीपी के कुछ लोग आ गए और उन्होंने कैंटीन के टेबल के अराउंड अपना पूरा झुंड बना लिया और वो लोग डिस्टर्ब करने की कोशिश कर रहे थे। जब वो महिला कुछ बोल रहे हैं तो ऊँचे ऊँचे आवाज़ में ऐसे ऐसे नारे लगा रहे हैं कि तुम लोग की कब्र खोद देंगे यूनिवर्सिटी में। और जब एक पॉइंट पर बात यहाँ तक आ गई कि ज़्यादा जो स्टूडेंट बॉडी था वो ये कह रहा था कि हम नहीं सहेंगे इस तरह की गुंडागर्दी, और इस तरह की गुंडागर्दी नहीं चलेगी कैंपस में, एक डेमोक्रेटिक डिबेट होगा, डिस्कशन होगा, आपको कुछ बोलना है बाद में भी बोल सकते हैं, आपको किसी और को डिस्टर्ब करने का ज़रूरत नहीं है। तो उन्होंने स्पीकर लाकर उसमें सांप्रदायिक नेचर के गाने चलाए, जो गाने ऐसे ऐसे कह रहे थे कि हिंदुस्तान में भगवा लहराएंगे, और वो बहुत जाहिर कर रहे थे कि वो ये गाने इसलिए लगाए क्योंकि वो कुछ स्टूडेंट्स को इससे थ्रेट फील कराना चाह रहे हैं, वो कुछ स्टूडेंट्स को ये फील कराना चाह रहे हैं कि तुम जो जिस तरह का बात कर रहे हो और ये हो उन सब बातों कोई मतलब नहीं है, और बात मत रखो ये सुनो कि किस तरह से भारत में एक ही तरह का पॉलिटिक्स होगा और आपके पास बोलने का कोई वो नहीं होगा। जब यही सब हो रहा था तो लोग टेबल पर चढ़ गए और वो टेबल पर चढ़कर उसी पे पीट रहे थे, चढ़ चढ़ कर सब लड़के उस टेबल पर चढ़ कर नारे लगा रहे हैं जिनका कोई मतलब नहीं है, और उसी वक्त उन्होंने टेबल भी तोड़ा जिसकी वजह से एक महिला छात्र को चोट भी आ गई, उनका हाथ कट गया इसकी वजह से। हम देख रहे हैं कि एबीवीपी का यही रोल, यही तरीका तमाम यूनिवर्सिटी में है, जैसा कि उन्होंने जामिया में किया क्योंकि उनको लगता है कि वो ऐसा कर सकते हैं, वो कॉमन छात्रों पे हाथ उठा सकते हैं, टेबल तोड़ सकते हैं, और ये सब कुछ वो पुलिस की मौजूदगी में कर सकते हैं, प्रॉक्टर की मौजूदगी में कर सकते हैं, और वो पुलिस उन्हें पता है कि इसलिए नहीं खड़ी है ताकि इस तरह की गतिविधियों को रोके, वो पुलिस उनको, उन पुलिस का प्रेजेंस उनको ये और ताकत देता है। तो हम इसके खिलाफ अपनी आवाज़ उठाते रहेंगे और EUD में भी इसके खिलाफ अपनी आवाज़ उठाते रहेंगे और सवाल पूछना चाहेंगे जो जिस सवाल से इस सारा मामला शुरू होता है कि 2002 में गुजरात में जो हुआ और जब 2000 मुस्लिमों को जिंदा जला दिया गया उसके ज़िम्मेदार कौन है, एहसान जाफरी की मौत के ज़िम्मेदार कौन है, और भारत में इस सांप्रदायिकता का माहौल का जो ज़िम्मेदार है वो कौन है जो धर्म के नाम पर हमें बांटे। तो आज जो प्रोटेस्ट की कॉल दिए थे, जो इंसिडेंट JNU में ABP के अटैक और जो ऐसे एडमिनिस्ट्रेशन ने पावर काट दिया, और जो जामिया में पुलिस के हमला हुआ था स्टूडेंट्स के ऊपर और डिटेंशन हुआ है, उसके खिलाफ जब हमें एक प्रोटेस्ट कॉल दिया था आज 1 बजे के लिए, और जो हुआ है इमीडिएटली एडमिनिस्ट्रेशन ने आज एक ऑर्डर सपोजिटली निकाल लिया है कि सबके बैग चेकिंग करना है, तो सबके बैग फ्रंट गेट और बैक गेट पे सबका बैग चेकिंग होने वाला था और हो रहा भी था। जब हम कैंपस के अंदर घुसने वाले थे हमने हमारा आईडी कार्ड दिखाया कि हम हर दिन तो दिखाना पड़ता है, और हम आईडी कार्ड दिखाया कि हम इधर के छात्र हैं, और उसके बाद उन्होंने बोला कि बिना बैग दिखा के आप नहीं जा सकते, तो बैग दिखा दीजिए, तो हमने मना किया कि हमारे बैग नहीं दिखा सकते, बैग नहीं खोल सकते, आप हमारे बैग के अंदर नहीं जा सकते क्योंकि ये एक वायलेशन है, आपके अधिकार नहीं है ये सब करने के लिए, ऑर्डर है या नहीं। तो उस पर वो मैं कैंपस के अंदर घुसने की कोशिश किया हूँ, तो सारे काफ़ी सारे छः या पाँच गार्ड्स आए थे और मुझे ब्लॉक करने के लिए, काफ़ी गार्ड्स मेरे हाथ मेरे ऊपर लगाया कि ब्लॉक रोकने के लिए, और मुझे बोल रहा था कि बिल्कुल एंट्री नहीं देंगे। ऐसा मुझे एक गार्ड ने पीछे से भी पुल किया, आगे से भी पुल किया, और ऐसा दो बार गिर गए थे मैं ग्राउंड पे। जब मैं पहली बार गिर गया था एक आज की दिन के एक पुलिस गाड़ी गेट के पीछे भी पड़ा था, और जब मैं गिर गया उन गार्ड्स ने इमीडिएटली दो पुलिस के दो पुलिस ऑफिसर्स को बुला दिया कैंपस के अंदर,
और पुलिस ऑफिसर्स हमसे इंटरेक्ट कर रहे थे कि बैग दिखा दीजिए, बट हम पूछ रहे थे कि आप कैसे एंट्री कर सकते हैं। तो उसके बाद तो पुलिस हट गया थोड़ी देर के लिए, फिर हम वापस उस इतनी की बात में हम 40-50 मिनट उसी कैंपस के गेट पे पड़ा था। अंदर जाने की कोशिश जब करते थे रोकता था, हाथ पकड़ता था, खींचता था। और एक बार तो ये भी हुआ कि उन्होंने मुझे उठाने की कोशिश भी किया, उठा भी दिया था और उसके बाद मैं वापस गिर गया था। और जब भी हम ये इसके लिए जो वीडियो बन रहे थे और सब कुछ बन रहे थे, फिर भी वो नहीं मान रहे कि हम आपके ऊपर हाथ उठा रहे। तो ये जो एडमिनिस्ट्रेशन की जो ऑर्डर है, हम भी और पुलिस भी पूछा कि ऑर्डर की कॉपी कहाँ है, और वापस बोल रहे कि ऑर्डर की कॉपी हमारे पास, वो गेट पे आए, गेट पे दिखा दीजिए। हमने बोला कि वो दिखा दीजिए हमको सीधा ही। तो एक घंटा जब जितने भी देर हम उधर था, एक भी बार ऑर्डर नहीं दिखाया, एक फोटो भी नहीं दिखाया, ऑर्डर की एक कॉपी भी नहीं दिखाई। तो इसके मतलब ये है कि ये ऑर्डर नहीं था, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन ये बिल्कुल समझता है कि ये जैसे ऑर्डर स्टूडेंट की बैग सर्च करने की ऑर्डर, एक बिल्कुल गलत बात है, एक कॉन्स्टिट्यूशनल वायलेशन है इनके राइट ऑफ प्राइवेसी का। एंड फिर भी ऐसे ऑर्डर अनऑफिशियली पास कर देते, और फिर गार्ड भी यही भी कहते हैं कि उनका जॉब जाएंगे, तो धमकी भी दे रहे हैं एडमिनिस्ट्रेशन गार्ड के खिलाफ कि आप चेक करेंगे और नहीं तो उनको डर है कि उनका जॉब जाएगा। ये अनऑफिशियल ऑर्डर बिल्कुल है, कोई भी कॉपी किसी भी छात्र के हाथ में नहीं पहुंचा है। तो ये हम उधर ही खड़े थे, और उसके बाद भी काफ़ी सारे पुलिस को बुला के रह रहे थे। हमारा इंटरेक्शन हुआ 6 पुलिस लोग की टोटल। पुलिस भी हमसे, कुछ पुलिस तो ठीक से बोल रहे थे कि दिखाओ, और फिर गार्ड को भी एक पुलिस ऑफिसर ने बोला आप उनको इधर रोक नहीं सकते। उसके बाद भी गार्ड हमें उधर रोक रहे थे, और फिर एक और पुलिस जो सीनियर ऑफिसर था उन्होंने भी आया और हमारे ऊपर बोल रहे थे कि आप दिखा के ही जा सकते हो, और हमने उस वक्त भी मना कर रहे थे। और ऐसे कुछ स्टूडेंट्स आए थे, फिर ये स्टूडेंट्स हमारे साथ खड़े होने के बाद ही हमको थोड़ा अंदर घुसने दिया। पूरा गार्ड के साथ रजिस्ट्रार के सामने जाते हैं बोलना उन्होंने, तो हम उधर से निकल गए थे और गए सामने। पर उस जब हम गए थे, रजिस्ट्रार हमसे बात भी नहीं करेंगे, और कुछ देर बाद तो गार्ड भी चले गए। तो इस जो मेरा एक मीटिंग था मेरा डिसर्टेशन सुपरवाइजर के साथ, उसका समय भी बर्बाद हो गया, मेरा जो कैंपस में आने का जो भी माहौल था उसका भी बर्बाद हो गया, और मेरे शरीर के ऊपर जो वायलेशन हुआ है, जो बेसिकली वो पूरा पकड़ के ग्रैब करके, पीछे ग्रैब करके, सामने ग्रैब करके, बहुत एक इंडिविजुअल की जो बॉडी है उसको वायलेशन भी कर रहे थे आज बिल्कुल। तो ये जो एक आर्बिट्ररी ऑर्डर की बात जो हो रही है, उसकी वजह से ये हो रही है, और उसके खिलाफ हम बोलने चाहते थे इसके बारे में। शुक्रिया, आप हमारे साथ इस वीडियो पर जुड़े। न्यूज़ एमएक्स को यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें, फेसबुक पर लाइक करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।